हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेडिसिन विजन चैनल में। दोस्तों, आज की जो हम मेडिसिन लेके आए हैं, ये बायोटिन और कोलेजन पेप्टिडेज का एक अच्छा सोर्स है। दोस्तों, जैसे जिनको जानकार होंगे तो वो पहचान चुके होंगे कि हम किस जो मेडिसिन की जानकारी आज देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका या आपने अब तक हमारे चैनल मेडिसिन विजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही में दोस्तों, लाइफ ये भी हमारा एक चैनल है जहाँ पे हम मराठी लैंग्वेज में आपको ये मेडिसिन की जानकारी देते हैं। दोनों का कंटेंट लगभग सेम रहेगा, खुश हुआ रहेगा, लेकिन आपको थोड़ी जानकारी ज्यादा मिल जाएगी। आपके लोकल लैंग्वेज में अगर समझने में प्रॉब्लम हो जाता है तो ये आपके लिए हिंदी में हम मेडिसिन विजन लेके आए हैं। तो दोस्तों, ये दवाई आज जो है वो बहुत ही लाभकारी है दोस्तों, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते जाए ताकि जिनको जरूरत हो वो भी ये मेडिसिन ले। तो दोस्तों, आज का जो मेडिसिन है ये हेयरफुल नाम से मार्केट में मिल जाता है। इसकी जानकारी से पहले, इसमें जो कंटेंट है ये बायोटिन, कोलेजन पेप्टिडेज और अमाइनो एसिड, ये बहुत ही जानकारी या मतलब बहुत ही जरूरी रहता है। ये विटामिन और मिनरल से ज्यादा जरूरी बायोटिन कोलेजन पेप्टिडेज है और लगभग उसके बाद ही हम विटामिन और मिनरल्स की बात करेंगे। दोस्तों, इसकी बेसिक जानकारी ये है कि ये 240 रुपए का पैकेट है। दोस्तों, इसमें 10 कैप्सूल्स या टेबलेट आपको मिल जाएंगी, लाल कलर की कैप्सूल्स रहेंगी और साथ ही में ये 2 साल का एक्सपायरी टाइम ड्यूरेशन रहेगा। जब भी आप ये कैप्सूल ले तो 2 साल तक आपको ये मिल जाता है और ये एनिमल सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया रहता है। तो यहाँ पे रेड डॉट रहेगा, जो प्योर 100% वेजिटेरियन है वो ये दवाई ना ले। मतलब उनको अगर उनके इथिक्स को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो प्लीज ये दवाई ना ले। और साथ में इसमें जो मेन कंटेंट है दोस्तों, ये कोलेजन पेप्टिडेज है, बायोटिन है और यल लाइसिन और मिथियोनिन, ये जो अमाइनो एसिड है ये मेन कंटेंट इनमें है, क्योंकि यही 3 अमाइनो एसिड हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही लगभग लाभकारी होते हैं। और जो कोलेजन पेप्टिडेज रहते हैं ये भी बहुत ही लाभकारी है। जो पेप्टिडेज रहेगा वो एक एंजाइम है जो टाइप 1 में आ जाता है, तो कोलेजन पेप्टिडेज रहेगा जो शरीर या हेयर में जो कोलेजन रहता है, मतलब कोलेजन के बाद जो हेयर ग्रोथ के लिए फायदेमंद रहता है क्रिएटिनिन, जो इसको हम बनने में हेल्पफुल रहता है। जिनके भी मतलब उम्र की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम हो, मतलब जिनके पिताजी को अगर टक्कल हो या बाडनेस हो, तो वो भी ये बर्न कम करने का काम ये दवाई करने वाली है। तो इसके डोज कैसे लेने हैं, तो इसकी एक बेसिक जानकारी है दोस्तों, ये दिन में 2 बार सुबह खाने के बाद या खाने के पहले आप, और साथ ही में शाम के टाइम भी आप ले सकते हैं। मतलब दिन में 2 बार आप ये दवाई लेते हो तो भी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और इसका डोज जो है लगभग 3 महीने तक या 90 दिन तक आपको कंटिन्यू करना है, तो आपको हेयर फॉलिकल रिजुवेनेट, मतलब हेयर फॉलिकल की ग्रोथ जो आएगी वो दिखाई पड़ जाएगी। दोस्तों, इस जानकारी में इतना ही। दोस्तों, साइड इफेक्ट की जानकारी करते हैं, तो साइड इफेक्ट इसमें वैसे तो कुछ साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ओवरडोज अगर हो जाता है लगभग 2-3 दिन तक, अगर आप ओवरडोसिंग कर रहे हो, आपका ये डोज अगर मिस भी हो जाता है तो आप तुरंत ले सकते हो, लेकिन ओवरडोज ना करें। तो अगर आपको ओवरडोज हो जाता है तो उसकी वजह से शरीर पे लाल धब्बे, मलमली आ सकती है या पेट में खराबी हो सकती है। तो ख्याल रखें कि ये रेगुलर डोज करें, या आप आपके फार्मासिस्ट या डॉक्टर की कंसल्ट से भी इसके डोज नियमित ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जिनके बालों में या हेयर फॉलिकल कम है या बाल घने नहीं है, तो उनके लिए भी ये दवाई बहुत ही अच्छी है। ये महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं। उम्र से मतलब मैं तगादा करूं तो उम्र 18 से ऊपर के लोग ये दवाई ले सकते हैं।
और जो 18 साल से जो कम है तो वो डॉक्टर की सलाह से दवाई ले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।